हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 5.5 ऑफ क्लास सेकंड। डिवाइड द फॉलोइंग एंड वेरीफाई योर आंसर। ये जो नंबर्स दिए गए हैं डिवाइड करना है और आंसर को वेरीफाई करना है। फर्स्ट देखो 963, 963 को डिवाइड करना है 3 से। सो देखो ये नंबर दिया गया, इसमें 963 क्या है? डिविडेंड। जिस नंबर को डिवाइड करना होता है वो क्या होता है? डिविडेंड। और जिस नंबर से डिवाइड करना है वो नंबर क्या है? डिवाइजर। सो देखो फर्स्ट इसमें हम फर्स्ट डिजिट लेंगे 9। पहले 9 को डिवाइड करना है 3 से। 3 के टेबल में ये देखना है कि 9 कहाँ पर आता है। 3 के टेबल में 9 कहाँ पर आता है? 3 पर। 3 3 ज़ा 9। सो यहाँ पे क्या हो गया? 9। 9 में से 9 माइनस किए 0, रिमाइंडर क्या हो गया? 0। अब देखो यहाँ पे माइनस करके जो आंसर आता है ये क्या हो गया? रिमाइंडर। सो अब हम नेक्स्ट डिजिट नीचे लेके आए 6। अब हमने ये देखना है कि 3 के टेबल में 6 कहाँ पर आता है। 6 कहाँ पर आता है 3 के टेबल में? 2 पर। सो यहाँ पे क्या हो गया? 2। और नीचे क्या हो गया? 6। 3 2 ज़ा 6। अब यहाँ पे भी 6 में से 6 माइनस किए, रिमाइंडर क्या हो गया? 0। फिर नेक्स्ट डिजिट नीचे लेके आए, नेक्स्ट डिजिट क्या है? 3। अब हमने ये देखना है कि 3 के टेबल में 3 कहाँ पर आता है। 3 के टेबल में 3 कहाँ पर आता है? 1 पर। सो ये यहाँ पे क्या हो गया? 1। और नीचे क्या आ गया? 3। अब 3 में से 3 माइनस किए, रिमाइंडर क्या हो गया? 0। अब ये डिवाइड करके जो आंसर आया है ये क्या हो गया? हमारा कोशेंट। ये क्या था? डिवाइजर, डिविडेंड और कोशेंट। और माइनस करके जो आंसर आता है रिमाइंडर। अब इसकी वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन देखो, डिविडेंड हमने फाइंड आउट करना है। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? डिवाइजर को जब हम कोशेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ये डिविडेंड आ जाएगा। सो देखो डिवाइजर क्या है यहाँ पे? 3। 3 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? 321। 321 को हमने मल्टीप्लाई करना है 3 से। मल्टीप्लिकेशन करो, देखो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया। डिविडेंड के इक्वल है ना 963। और यहाँ पे डिविडेंड भी क्या है हमारा? 963। इसका मतलब हमने ये जो सम सॉल्व किया है ये हमारा सही है। ये होगी इसकी वेरिफिकेशन। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसका। अब नेक्स्ट देखो 880, इसको डिवाइड करना है हमने 8 से। यहाँ पे 880 जो है ये क्या है? डिविडेंड। और यहाँ पे 8 क्या है? डिवाइजर। 880 डिवाइडेड बाय 8। फर्स्ट हमने डिजिट लिया 8। 8 के टेबल में 8 कहाँ पर आता है? 1 पर। 8 में से 8 माइनस किए 0। अब नेक्स्ट डिजिट नीचे लेके आए 8। फिर 8 के टेबल में 8 कहाँ पर आता है? 1 पर। माइनस करके आंसर क्या हो गया? 0। अब नीचे हम लेके आए 0। अब देखो 8 के टेबल में 0 नहीं आती ना, और आगे हमें कोई डिजिट भी नहीं दिया। सो यहाँ पे हमने क्या करना है? यहाँ पे 0 लेके सम को ख़त्म करना है। सो 0 में से 0 अगर माइनस करते हैं तो इसका आंसर भी क्या होता है? 0। अब हमने इसकी वेरिफिकेशन करनी है। इसमें देखो 8 क्या है? डिवाइजर। 880 डिविडेंड और 110 कोशेंट। सो देखो डिवाइजर क्या दिया गया है हमें? 8 को मल्टीप्लाई किया हमने कोशेंट से। कोशेंट क्या है इसमें? 110। 0 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर क्या होता है? 0। 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8। 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8। सो आ गया ये आंसर डिविडेंड के इक्वल। इट मीन्स ये भी हमने जो सम सॉल्व किया है ये भी सही है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।